जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने टेस्ट कप्तान विराट कोहली के साथ हुए बर्ताव को लेकर जो बीते दिनों दोस्तों ओडीआई कप्तानी छीनी गई इसके बाद सौरव गांगुली का बयान सामने आया, तो इन सब को लेकर टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने सौरव गांगुली को निशाने पर लिया है। कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने के बाद से ही बवाल मचा हुआ, जिसके लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को शास्त्री ने लताड़ लगाई है। बता दें, गांगुली ने कहा था कि विराट कोहली जब टी20 कप्तानी छोड़ना चाहते तब उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने उनसे कहा था, विनती की थी कि आप टी20 कप्तानी ना छोड़ो क्योंकि आपसे वनडे कप्तानी भी छीनी जा सकती है। बाद में कोहली ने गांगुली की बात को झूठा करार दिया। टी20 कप्तानी छोड़ने से किसी ने भी नहीं रोका था कोहली को। इसी के साथ कोहली के साथ गांगुली के बर्ताव से भड़के शास्त्री। आप सभी को बता दें, रवि शास्त्री का कहना है कि विराट कोहली से टीम इंडिया की वनडे कप्तानी वापस लेने वाले मुद्दे को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। शास्त्री ने कहा कि विराट कोहली ने अपनी बात साफ तरीके से सामने रख दी, अब यहां से चीजों को साफ करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की है। शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विराट ने कहानी का अपना पक्ष बताया है, इस पर बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपनी कहानी का पक्ष रखने की जरूरत करता है। अच्छी बातचीत से स्थिति को और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि रोहित और वर्सेस कोहली को लेकर जो विवाद था, इसके बारे में उन्होंने बताया रवि शास्त्री ने। रोहित शर्मा को नया वनडे कप्तान बनाए जाने पर रवि शास्त्री ने कहा कि जब विराट ने कहा कि वह टी20 कप्तानी नहीं करना चाहते तो रोहित के लिए दरवाजा खुल गया, उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए। हालांकि शास्त्री ने विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताया, जो कि वो हैं। आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती, बस यही एक कमी है, बाकी उन्होंने हर वो सीरीज जिताई है जिसके सपने कभी टीम इंडिया देखती थी। शास्त्री ने कहा कि बिना किसी संदेह के विराट कोहली को टेस्ट कप्तान चाहिए। दुनिया का कोई भी कप्तान इस तरह के जुनून के साथ आगे नहीं बढ़ता जैसे विराट कोहली हैं। शास्त्री ने यह भी स्वीकार किया कि विराट को खुद में काफ़ी हद तक देखते हैं। रवि शास्त्री ने आगे कहा कि विराट के साथ मेरे संबंध बहुत बेहतरीन शानदार हैं, एक जैसी सोच रखने वाले दो लोग अपना काम करते हैं। विराट में काफ़ी हद तक मुझे अपने लक्ष्य नज़र आते हैं, जोश, कुछ करने की भूख और आत्मविश्वास, आप विराट में ये सब देखते हैं। और मन मुटाव को लेकर जो गांगुली से इस बारे में उन्होंने कहा कि गांगुली और शास्त्री के रिश्ते की बात करें तो इनके बीच मन मुटाव की खबरें जग जाहिर है। गांगुली जब बीसीसीआई के सीएसए में थे तब उन्होंने कोच पद के लिए इंटरव्यू देने आए थे। रवि शास्त्री को ना कह दिया था और अनिल कुंबले को चुना था। हालांकि कुंबले के हटने के बाद उन्हें शास्त्री को चुना गया था। गांगुली जब बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे तब भी ये खबरें थी कि शायद इससे शास्त्री को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया। इन दोनों के बीच तलखी नहीं ली गई। तो ये दोस्तों रवि शास्त्री का एक और कॉन्ट्रोवर्शियल बयान सामने आया, सौरव गांगुली और विराट कोहली साथ साथ रोहित शर्मा वाले मुद्दे को लेकर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।